हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल. आज मैं आपके साथ डिस्कस करने आई हूँ कुछ ऐसे ओपिनियंस जो आप में से ही कई स्टूडेंट्स से स्टूडेंट्स ने दिए हुए हैं कि हमने 10th तक तो CBSE बोर्ड रखा है, बट क्या हम 10th के बाद अपना बोर्ड चेंज कर लें. और बेटा, उसके बारे में मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन भी करूँगी कि क्या आपको अपना बोर्ड चेंज करना चाहिए. आप 10th तक CBSE बोर्ड में थे, क्या आपको अब 11th या 12th में, आगे मैं बात करूं उसके बाद जो आपने कंपटीशन एग्जाम देना है, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सा बोर्ड लेना रहेगा. यानी कि अगर मैं 12th में बात करूं तो आप कौन से बोर्ड एस्पिरेंट होंगे तो आपको फायदा मिलेगा. सो इसी के रिलेटेड बेटा मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करने वाली हूँ. जैसे कि आप देख रहे हो कि ये एक बच्चा है, आपके जैसा एक स्टूडेंट है, हु इज कंफ्यूज कि वो कौन से डोर में घुसे, स्टेट बोर्ड में जाए, IB बोर्ड में जाए, ICSE बोर्ड में जाए, CBSE बोर्ड में जाए, कौन सा बोर्ड प्रेफर करें. तो आई एम एक्सपेक्टिंग आप सबके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं. जरूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आपका एग्जाम के रिजल्ट कैसे रहे, आपकी फिजिक्स कोर मैम जानना चाहती है. और अगर हम आगे डिस्कस करें कि आपके पास मल्टीपल बोर्ड्स हैं, ठीक है, मल्टीपल बोर्ड्स हैं, विच बोर्ड यू शुड प्रेफर. देखो बेटा, मल्टीपल बोर्ड्स होते हैं, स्टेट बोर्ड्स होते हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट जिस स्टेट्स में रहते हो आप, तो वहां के रिस्पेक्टिवली स्टेट बोर्ड्स होते हैं. और ऐसा माना भी जाता है कि स्टेट बोर्ड्स में ना नंबर थोड़े कम आते हैं, मतलब ऐसा कई कई लोगों का मानना है. तो मेरे भी कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को भी बिलोंग करते हैं, और जो CBSE बोर्ड के हैं और जो ICSE बोर्ड के भी हैं, है ना. और ये भी सुनने में आता है दैट ICSE बोर्ड जो होता है वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेरेटिव टू CBSE बोर्ड. ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स के बारे में सुनते हैं. कुछ कुछ स्टूडेंट्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से भी बोर्ड देते हैं, मतलब एग्ज़ाम देते हैं. तो इनमें से सबसे बेटर कौन सा है, आप में से ही बेटा कई स्टूडेंट्स ने वोट किया और इसके बारे में बताया. क्योंकि देखिए, अगर हम यहां पे बात करें कि इसके बारे में हम चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉट ऑफ बोर्ड्स, बिकॉज अगर हम प्रीवियस ईयर कुछ देखें, प्रीवियस ईयर का पैटर्न देखें, तो बेटा CBSE में बहुत सारी चेंजेस आ रही थी, है ना. CBSE बोर्ड के पैटर्न में बहुत सारी चेंजेस आ रही थी. जिस साल कोविड आया उस साल ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड करवाने की बातें की गई, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ. फिर अगर हम बात करें कि अब लास्ट ईयर की आपकी बात करें, जो आपके सीनियर्स थे उनका टर्म 1 टर्म 2 आया, फिर टर्म 1 टर्म 2 की वेटेज के हिसाब से आगे रिजल्ट बना, तो बहुत सारे पैटर्न चेंज होते गए ड्यू टू द कोविड कंडीशंस. तो इस साल की अगर हम बात करें, अब जो बच्चे एडमिशन लिए हैं 10th एंड 12th में और जिन्होंने अगले साल एग्ज़ाम देना है, उनके लिए जो पैटर्न है वो फिर से चेंज कर दिया गया कि अब टर्म 1 टर्म 2 नहीं होगा, पूरे साल का पेपर एक ही बार में होगा, यानी कि पूरा सिलेबस आपको एक ही बार में आएगा. तो इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस के कारण बहुत सारे आपके जैसे स्टूडेंट्स जो थे वो ये सोच में पड़ गए कि क्या हमको अब CBSE बोर्ड चेंज कर लेना चाहिए, क्या हमको कोई ऐसे बोर्ड की तरफ चले जाना चाहिए जिसमें इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होते हैं, ताकि क्योंकि एक मेंटल प्रेशर भी बिल्ट हो जाता है स्टूडेंट के दिमाग पे जब ऐसे फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं. एकदम आपको अचानक से आज मैं बोलूं कि आपके 3 बार साल में पेपर होना है, है ना, आपका अगले महीने एक पेपर होगा, उसके बाद आपका पेपर होगा, फिर आपका पेपर होगा, तो आप तो घबरा जाएंगे. तो यही चीज़ है कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स मजबूर कर रहे थे कई स्टूडेंट्स को सोचने के लिए कि इनको CBSE बोर्ड चेंज कर लेना चाहिए. तो उसके कारण हमने एक पोल कंडक्ट करवाया अपने चैनल पे. लेट मी शो यू दैट पोल. हमने एक पोल कंडक्ट करवाया दैट डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी इन CBSE बोर्ड आफ्टर क्लास 10th. एक पोल कंडक्ट करवाया गया और इसमें आप देख सकते हैं 5.4K लोगों ने बेटा इसमें वोट किया, और मैक्सिमम यानी कि 87% ने अभी भी ये जवाब दिया कि यस, CBSE बोर्ड इज बेस्ट, CBSE बोर्ड को हम छोड़ेंगे नहीं. बट फिर भी अगर आप देखेंगे कि 8% ने बोला कि हम शिफ्ट हो जाएंगे अब हाई सेकेंडरी बोर्ड की तरफ, एंड 5% ने बोला कि ICSE इज द बेस्ट. हमने 5% की अगर वोटिंग देखी तो 5% ने बोला ICSE इज द बेस्ट, बट मैक्सिमम अभी भी वोट किस में जा रही है,
CBSE की तरफ जा रही है, तो इसका रीजन क्या था कि CBSE को अभी भी इतने फ्रीक्वेंट चेंजेस के बाद भी बच्चों ने अभी भी ऐसा क्यों, पेरेंट्स ने अभी भी ऐसा क्यों सोचा कि CBSE बोर्ड पे ही कंटिन्यू करना इज द मोस्ट यू नो द बेस्ट डिसीजन एवर, व्हाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसके बारे में अगर मैं आपके साथ अभी आपके साथ एक चीज शेयर करूं, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या बोला, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ऐसे पोलिंग करवाई बेटा, डिफरेंट स्टूडेंट्स प्रिंसिपल्स टीचर्स ने उसमें वोट किया और उसमें जो पैटर्न निकल के आया सामने उसमें भी यही था कि CBSE बोर्ड में ही कंटिन्यू करना सबसे बढ़िया रहेगा. क्यों, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि अल्टीमेटली जब बच्चा 12th पास करेगा उसके बाद अगर उसके एम्स हाई हैं तो वो JEE का पेपर देगा, नीट का पेपर देगा, NDA का पेपर देगा, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के एग्जाम्स देगा और उसमें अगर हम देखें बेटा तो CBSE बोर्ड आपको इस तरीके से प्रेपरेशन करवाता है, CBSE बोर्ड का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है वो इस तरीके से अलाइंड है कि आपको आगे फर्दर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलती है. यू कैन सी हेयर इन दिस न्यूज ऑल्सो, नागपुर की न्यूज है, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स मोर एंड मोर CBSE स्टैंडर्ड 10th स्टूडेंट्स आर प्रेफरिंग टू कॉन्टिन्यू इन द सेम बोर्ड रादर देन शिफ्टिंग टू HSC. बेटा दिस इज बेसिकली हायर सेकेंडरी बोर्ड होता है जो स्टेट लेवल का होता है, उसको अपन HSC बोलते हैं, ठीक है. 10th तक इस बोर्ड को हम SSC के नाम से जानते हैं. बेटा फील्ड्स अकेडमिक, वाइल देयर इज नो ऑफिशियल डाटा अवेलेबल टू बैकअप दीज क्लेम्स, CBSE स्कूल्स इन द सिटीज आर विटनेसिंग एन इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड 11th एनरोलमेंट. क्लास 11th में जो एनरोलमेंट्स हो रही हैं वो CBSE बोर्ड में सबसे ज्यादा ऐसा देखने में आ रहा है कि सबसे ज्यादा जहां पे एनरोलमेंट्स हो रही है वो CBSE बोर्ड के अंडर हो रही है. और स्पेसिफिकली रूपाली दे प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न स्कूल कोराडी सेड वन ऑफ द रीजंस फॉर दिस प्रेफरेंस इन द करिकुलम इज व्हाट, व्हाट इज द मेजर रीजन कि व्हाई स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर द CBSE बोर्ड इज द मेजर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक JEE एंड नीट, जिसकी तैयारी हर बच्चे की सपना होता है. शुरू तो हम करते हैं, है ना, पूरे फुल जोश में, फिर हम ढीले पड़ जाते हैं. पर बेटा CBSE बोर्ड का जो पैटर्न रहता है ना वो इस तरीके से है, सिलेबस इस तरीके से है कि आपको JEE और नीट एग्जाम को भी इजीली यू नो मतलब हेल्प मिलती है आपको इसकी प्रेपरेशन में भी, ठीक है. सो फॉलोज द NCERT करिकुलम. यहाँ पर जो JEE और नीट का एग्जाम होता है बेटा वो NCERT करिकुलम को ही फॉलो अप करता है. सो दिस इज द रीजन कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं किसी और बोर्ड के अलावा CBSE बोर्ड में एडमिशन लेना. और मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ भी रहे थे ये मैसेज करके, तभी मैं ये वीडियो बना रही हूँ आपके लिए कि मैम हमको कौन सा बोर्ड कंटिन्यू करना चाहिए आगे. सो अकॉर्डिंग टू मी दैट CBSE बोर्ड is the best, beta, you should go for it. Don't think much. Agar ऐसा चेंजेस आ भी रहा है तो आप अकेले थोड़ी हो, आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ये चेंजेस हो रहे हैं. सो बी कॉन्फिडेंट, है ना. अगर मैं अपनी खुद की बात करूं यार, है ना, व्हेन आई वाज इन क्लास 10th आई वॉज द वन जिसमें सबसे पहली बार वो वाले बैच में थी मैं जब सबसे पहली बार लॉन्च हुआ था CGPA वाला सिस्टम, है ना. सो आई एम ऑल्सो द वन जिसके साथ ये चेंजेस आए थे. तो मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे चेंजेस आए थे. तो बेटा जो भी चेंजेस आते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल तुम्हारे साथ नहीं है, वो सबके साथ आते हैं. बट अगर ओवरऑल अपन बात करें, CBSE बोर्ड इज द बेस्ट, गो फॉर इट, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है. और प्रूव आपके सामने है कि JEE और नीट का भी जो बेटा एग्जाम का करिकुलम रहता है, एग्जाम का पैटर्न रहता है, वो NCERT को फॉलो करता है और CBSE बोर्ड में अपन की NCERT ही फॉलो अप होती है, ठीक है. सो दिस गिव्स स्टूडेंट एन एकेडमिक एडवांटेज इफ दे कॉन्टिन्यू विद द CBSE, ठीक है. सो दिस इज द रीजन वाई यू शुड गो फॉर CBSE बोर्ड, यू शुड एनरोल अंडर दैट. एंड अभी भी बेटा अगर आप कंफ्यूज हैं या आप अभी तक ऐसे कन्फ्यूजन में थे कि हमारा एक बार रिजल्ट आ जाए तो हमको पता चले कि हमको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, सो अभी तक आपको क्लैरिटी मिल चुकी है ना, कि आप साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना चाहते हैं. बट बेटा क्लैरिटी से कुछ नहीं होगा, उसके लिए आपको तैयारी भी शुरू करनी पड़ेगी. और अगर आप तैयारी में डिले करते जाएंगे तो वो
ऐसा सोचो ना यार, आपने अगर एक दिन भी डिले किया तो आपके आगे इतने लोग निकल चुके हैं ऑलरेडी, जिन्होंने पहले ही 2 महीने पहले से तैयारी शुरू कर दी. आप अभी तक वेट कर रहे थे, आप ऑलरेडी पीछे हैं टाइम में, है ना, आप ऑलरेडी उनसे पीछे हैं. अभी भी अगर आपने टाइम लगाया, अभी भी अगर आपने ऐसा सोचा कि नहीं यार अभी थोड़ा देर और रुक जाता हूँ, थोड़ा और एनालाइज कर लेता हूँ, अभी तो स्टार्टिंग ही हुई है 11th की, थोड़ी सी 1-2 महीने बाद और पढ़ना स्टार्ट कर लूंगा, तो बेटा ऐसा सोचो कि आप उतना ही अपने JEE या नीट क्रैक करने के सपने से दूर आते जा रहे हैं. सो मेक श्योर दैट अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू नहीं करी है तो अब राइट टाइम है तैयारी शुरू करने का. अभी भी कुछ देर नहीं हुई है, अगर अब से देर करोगे तो हाँ लौट के आना मुश्किल हो जाएगा, फिर एक बर्डन महसूस होगा. तो बेटा यही तैयारी हम आपको करवा रहे हैं. अगर मैं बात करूँ सक्षम बैच में, इफ यू आर नॉट एनरोल्ड येट यू शुड गो एंड एनरोल इन इट, बिकॉज इन दिस वी आर covering till the level of JEE and NEET. And अगर इसमें हम बात करें बेटा, अगर आपने देखो, एक होता है कि खुद की बुद्धि चलाना, एक होता है दूसरे की बुद्धि पर चलना, ठीक है. देखो बेटा, अगर आप तैयारी कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो कामयाबी भी आपको मिलेगी. अगर आप दूसरे के कहने पर चलोगे ना कि यार ये मत पढ़, यहाँ से मत पढ़, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, तो बेटा वो तो कामयाब हो जाएगा, बट वो तुम्हारी टांग नीचे खींच के आगे जा रहा है, ये चीज़ याद रखना, है ना. तो लोग तो बहुत कुछ कहते हैं, बट तुमको खुद का दिमाग भी यूज़ करना है. अगर तुमने खुद का दिमाग नहीं चलाया ना, तो वहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है. दूसरों से इन्फ्लुएंस कम हुआ करो, जो क्योंकि देखो अभी ऐसा सोचो कि मार्केट में ना कंपटीशन बहुत है, इन द सेंस कि अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं तो आपके जैसे बहुत सारे ऐसे नीट एस्पिरेंट हैं जो चाहते हैं कि आपका कॉम्पिटिशन, उनका कंपटीशन कम हो, वो आपको नीचे पुल करना चाहेंगे. पर मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये गाइड करती हूँ कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी एम की तरफ फोकस करना है, और ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको दूर करते चलना है. आपको पता है कि आपको किन फैकल्टीज से पढ़ना है, आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज से पढ़ना है, तो बेटा यू शुड एनरोल इन दिस सक्षम बैच इफ नॉट डन येट. एंड द प्राइस इज नॉट मच. अगर मैं इतने प्राइस की बात करूँ, देखो कईयों के लिए I understand कईयों के लिए इतना प्राइस भी डिफिकल्ट होता है, बट बेटा अगर आप ऑफलाइन के कंपैरिजन में देखेंगे, जहां पर आपको इतना ज़्यादा हाई चार्ज किया जाता है, स्टिल आप इतनी बड़ी क्लास में वो कोने वाली सीट पे बैठे होते हैं. मैं अभी भी एक एक्सपीरियंस अगर अपना पर्सनल शेयर करूँ, मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने एडमिशन लिया, है ना, अब ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में नाम नहीं लूँगी, आई विल नॉट बी डिस्क्लोजिंग इट. She was a bright student, है ना, but she took the decision to go into an offline class, offline batch. बेटा इतने ज़्यादा students seat, first seat पर बैठने के लिए सुबह से 4-5 बजे से लाइन लग जानी है, समझ रहे हो आप, और फिर भी वो सीट ना मिली तो आपको पीछे बैठना पड़ेगा, और वहाँ से बैठ के आपको कुछ समझ में नहीं आएगा. आपको सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन रहेगी कि हाँ हम उस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं जहाँ से वो बच्चे पढ़े जिन्होंने रैंक निकाला. बेटा रैंक किसी के पढ़ाने से नहीं निकलता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, मेहनत करने से निकलता है, और हम आपके साथ वो मेहनत करते हैं आपके साथ. अगर 1 घंटे की क्लास डिलीवर हो रही है, उसके पीछे 4-5 घंटे का काम टीचर करता है, तब आपके सामने जाके क्लास बनती है वो, ठीक है. सो वी प्रोवाइड बेस्ट टू यू. बाकी बेटा मैं अगर आपको बोलूं कि ऑनलाइन क्लास में आपको बेनिफिट क्या मिलता है, आप सब फर्स्ट बेंच पर बैठे हैं, आप में से कोई भी लास्ट बेंच पर नहीं बैठा, आप सबके साथ इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन टीचर देता है, इक्वल अपना एफर्ट पुट करता है. सो ऑनलाइन इज फार बेटर देन ऑफलाइन अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस्ड बोथ द प्लेटफॉर्म्स. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दैट टाइम, मैंने ऑफलाइन में भी पढ़ा है, एंड जब मैं अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी, इन द सेंस कि आफ्टर माई पोस्ट ग्रेजुएशन, मैंने ऑनलाइन में भी पढ़ा है, और मुझे पता है द डिफरेंस, है ना, आई नो द डिफरेंस बिटवीन द टू. दैट इज़ वाई आई एम गाइडिंग यू. बेटा इस टाइम पर इफ़ यू हैवंट बाइड दिस कोर्स येट, गो फॉर इट. यूज़ माई कोड S549, है ना, S549. इफ़ यू फील लाइक कि मैम की बातें आपको अच्छी लगती हैं, मैम जो आपको गाइड करती है वो आपको दिल तक छूता है, बेटा इनरोल अंडर मी, यूज द कोड एज S549, बाय सक्षम बैच,
एक्चुअल प्राइस इज अबाउट 8699, बट आफ्टर यूजिंग दिस कोड इट विल कॉस्ट यू ओनली 2000 रुपीज फॉर फुल वन ईयर. एंड इन दिस यू विल बी गेटिंग ऑल द ई बुक्स एज वेल एज पीडीएफ नोट्स एज वेल एज लाइव क्लासेस, और जो चैप्टर बीत गए हैं उसके रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिलेंगे. उन रिकॉर्डिंग्स में से अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है आप डाउट सेक्शन में जाकर डाल भी सकते हैं. बट अगेन आई विल से दैट कि पेशेंस रखना बहुत जरूरी है. अगर आप ऐसा समझ रहे हैं कि आप डाले उस साथ के साथ वो चीज सॉल्व हो जाएगी, तो बेटा इतनी जल्दी तो अगर आप मम्मी को आवाज मारते हो ना तो मम्मी पानी भी नहीं लाके दे सकती, समझ रहे हो. तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ये भीड़ चाल में मत लगो, है ना. एक जने ने ये बोला तो 10 जनों ने उल्टा और बोल दिया. ये जो भीड़ चाल में तुम लगते हो ना, ये चीज खराब है. क्योंकि कामयाब अगर होना है ना यार, तो भीड़ से अलग दिखना पड़ता है. अगर तुम भीड़ के साथ ही चलने लगोगे ना तो कामयाबी नहीं मिलेगी. सो दिस वॉज इट. आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज ऑप्ट फॉर CBSE बोर्ड इफ यू आर अ JEE और नीट एस्पिरेंट इन फ्यूचर. सो CBSE बोर्ड आपको हेल्प करेगा. सो ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आती रहूंगी, और कमेंट सेक्शन में जरूर से टाइप करें काजू कडली. एंड आई लव यू ऑल, मिस यू ऑल बेटा जी. सो आपको और भी कुछ क्वेरीज हैं रिलेटेड टू एनी थिंग, रिलेटेड टू योर कंपार्टमेंट सब्जेक्ट्स, रिलेटेड टू योर subjects, anything, whatever you want to ask, do comment in the comment section, and don't forget to like and share this video.